Hello everyone, this is Vanita Vandan Singh and welcome to my channel Vanita Vandan Singh. ओके मैं अभी कलिंगत में हूँ, गोवा में अपनी फैमिली के साथ, और मुझे आज बहुत मज़ा आया. इतना मज़ा आया कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ गोवा में पोएट्री गोवा के ऊपर शेयर करने वाली हूँ. मैं अभी वही लिख रही थी. बट मैं बोलना चाहूँगी कि मैं पहली बार गोवा आई थी, आई थिंक वेन आई वाज जस्ट मैरिड, 2016 आई थिंक 16 या 16 आई के एंड और फिर 17 में मेरा बेबी हो गया. गोवा गिफ्ट एज आई ऑलरेडी मेंशनड. और अभी मैं 2022 में गोवा आई हूँ विथ माई बेबीज. तो मुझे बहुत मज़ा आया, पिछली बार से ज़्यादा मज़ा आया. क्योंकि पिछली बार पता है वो बोट में लेके जाते हैं ना कि दे विल शो यू डॉल्फिन दिखाएंगे, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने दिया 800 ईच और हम लोग बहुत दूर तक अंदर गए, डीप में गए, यू नो दैट स्पीड बोट, एंड देन वी कुड नॉट सी अ सिंगल डॉल्फिन. बस हम लोग इतना बुरी तरह से देख रहे थे पानी में कि कुछ तो दिख जाए, और सब एकदम चील की नज़र, बास की नज़र से देख रहे थे पानी में. दे लाइक सो केयरफुल कि टूटा हुआ बॉटल या प्लास्टिक का ढक्कन कुछ भी तैरता हुआ जा रहा है ना, तो उन सबको लग रहा है कि हाँ क्या पता ये डॉल्फिन ही हो, उसकी पूंछ हो, बट हमें कुछ नहीं दिखा. एंड जब हम लोग बाद में एंड में बाहर आ गए शोर पे, तो भैया बोलते हैं, हमने कहा भैया एक भी नहीं दिखा हमें डॉल्फिन, तो भैया क्या बोलते हैं, तुम लोगों की किस्मत में नहीं था. मैं कहा वाह 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 वाह, निकालो 400 वापस दो, हैं हमारी किस्मत में नहीं था. बट आज हमारा मॉर्निंग में प्लान था डॉल्फिन देखने का, बट मॉर्निंग में उठे नहीं हम लोग, क्योंकि रात में लेट आते तो ऑब्वियसली सुबह नहीं उठ सकते. हम लोग आराम से गए और यू नो रैंडमली वी वेंट टू अगोडा बीच. इट वॉज समथिंग न्यू, पिछली बार नहीं गए थे हम लोग. गए हम लोग वहाँ पे और पता नहीं क्या माइंड में आया कि चलो ठीक है स्पीड बोट लेते, क्योंकि अब तो दोपहर हो गया था, 12-1 बज गए थे. मैं अब कहाँ से डॉल्फिन दिखेगी, 9 बजे बोला था हम लोगों ने. बट वी वर लाइक ओके फाइन चलते हैं, कुछ तो पानी का करते हैं. हम लोग गए स्पीड बोट, वो जो 6-सीटर वाली होती है ना उसमें गए थे. अच्छे से कुर्सी पकड़ रखा था, डर लग रहा था क्योंकि पानी आके मुंह धो रहा था हमारा, नमकीन पानी मुंह में जा रहा था. तो हम लोग तीनों पकड़ के बैठे थे. पता नहीं क्या हुआ, शायद मेरे हस्बैंड ने उनको बोला भैया कि भैया हमें डॉल्फिन दिखना है, क्या पता एक डॉल्फिन दिख जाए. हम लोग बैठ गए उसमें और वो भैया एकदम हीरो टॉम क्रूज की तरह हमें पानी में यू नो पानी को काटते हुए बहुत अंदर तक लेते जा रहे थे. मेरे को थोड़ा सा डर लगने लगा. मैं कहा ये तो हम बस नॉर्मल राइड के लिए आए थे ना, ये तो बस जा ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं. मैं कहा भाई साहब हमें वापस भी आना है, मुझे अभी और लाइफ जीनी है, वापस चलें और थोड़ा स्पीड कम करें. नहीं, वो तो बहुत तेज़ी से जाए जा रहे थे. मैं बस अपना बच्चा और कुर्सी पकड़ी हुई है, मैं कहा बस हम लोग सेफली वापस आ जाए, मुझे बिल्कुल भी पानी में ज़्यादा देर रहने का शौक नहीं है. हम लोग बहुत दूर तक जा रहे हैं एंड देन सडनली जब हम लोग, उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर आ चुके हैं मैडम, मैं कहा बहुत अच्छी बात है अब वापस चलें. अच्छा हुआ बता दिया, क्योंकि हम काफ़ी डर गए थे, मैं तो डर गई थी. मैं कहा मुझे ज़्यादा अंदर आने का कोई शौक नहीं है. हम लोग गए वहाँ पर और अचानक से वी स्टार्टेड सीइंग ना, वी वर लाइक दिस, ईगल देख रहा होता अपने खाने को, वैसे हम डॉल्फिन को, मतलब डॉल्फिन बहुत पसंद है, बहुत क्यूट होते हैं, तो बस एक उनको देखना इट्स अ ट्रीट फॉर यू नो आईज. तो वी वर लाइक जस्ट लाइक दिस. किसी को कुछ दिखा गया, कुछ दिखा क्या, मैं, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड और वो भैया जो बोट चला रहे थे, हम सब बस किसी तरह से देखना चाहते थे एक बार, एक दिख जाए मैं डॉल्फिन, देख रहे. एंड देन वी सॉ फर्स्ट टू आई थिंक टुगेदर, एंड दे वर लाइक यू नो ऐसे पानी में कभी फ्रंट में कूद रहे, कभी पीछे में अपने आप को फेंक रहे हैं. देर लाइक दे वर हैविंग सो मच फन, एज इफ वो हमें बोल रहे देखो हम कितने मस्त हैं पानी में, पूरा स्प्लैश स्प्लैश, मतलब वो अपने आप को पटक रहे हैं पानी के ऊपर, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड फ्रंट, और इतना मज़ा आ रहा है. मैं कहा वाह यार इनको कितना मज़ा आता है, स्विमिंग आता है तो, अब हमें तो स्विमिंग आती नहीं है, बस एक्टिंग कर सकते किनारे में. बट देर वॉज सो ऑसम, डॉल्फिन बहुत क्यूट होते हैं, बहुत ही स्मूथली वो लोग स्विम कर रहे थे और पानी में अपने आप को पटक रहे थे छपक छप, एंड बहुत मज़ा आया. पता, हमने कहा चलो 3 डॉल्फिन दिख गए. तब हम भैया ने कहा 3 नहीं मैडम, पूरा देखते रहो. उसके बाद वी सॉ एक दूर ना बड़ी वाली शेयरिंग बोट थी और राइट साइड में भी, मतलब लेफ्ट टू राइट सडनली वी सॉ अपीयरेंस ऑफ सो मेनी डॉल्फिन,
एंड दे वर गोइंग लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, जो हम डिज्नी में देखते थे ना बचपन में. ओ माय गॉड, उस समय मैं चाहती थी मेरा पूरा फैमिली, मेरे फेवरेट फ्रेंड्स और मतलब मेरे सारे पसंदीदा लोग वहाँ पे बस किसी तरह से आ जाए और देखें कि कितना मज़ा आया. बहुत मज़ा आया, इट वॉज वेरी नाइस एंड वर्थ इट. तो आप लोग अगर गोवा आते हो, मुझे नहीं पता ऐसा हर बार होता है, बट आई थिंक डॉल्फिन्स को अगोडा बीच पसंद है, वो वहाँ आते हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो. तो अगोडा बीच में ज़रूर ट्राई करना. और हमें वहाँ पे पता है क्या हुआ, हाँ सडनली जब मेरा ये ब्रेक बना रही थी ना, बहुत ही प्यारी सी लेडी, उनको सारी लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश, रशियन, पुर्तगीज, शी वाज सो इम्प्रेसिव. मैंने एक वीडियो भी डाला जब वो मेरा ब्रेक बना रही थी, तो आप वो देख सकते हो. उसने बताया कि अरमान कोहली आया, सब भागे, मैं भी भाग गई. मैंने कहा वाह वाह कौन है कौन है, बोलते नहीं अरमान कोहली वहाँ पे आया. मैंने कहा अरमान कोहली, फिर मुझे कौन है अरमान कोहली, फिर चार मुंडियाँ मेरी तरफ टर्न हुई, तो बोले मैडम आप भागी क्यों. मैं कहा ऐसे ही, आई वॉज एक्साइटेड, वेकेशन पे सब भागे, मैं कहा कोई होगा सिंगर वगैरह. सो दे वर लाइक सिंगर नहीं मैडम, जानी दुश्मन एक पिक्चर थी ना बहुत पुरानी, अक्षय कुमार और बहुत सारे हीरो की, उसमें जो विलन होता है वो बिल्ली की आंख वाली गोरा गोरा आदमी, वो है अरमान कोहली. मेरे को लगा थोड़ा एंटीना हिलाने में, नेटवर्क कनेक्ट करने में, कहा अच्छा अच्छा हाँ. और अरमान कोहली इतना थोड़ा सा दिखा मुझे, देन आई रियलाइज कि हाँ आई थिंक मैं इसे जानती हूँ. बट जो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, पूरा स्विम सूट बिकिनी पहनी थी एकदम गोल्डन कलर का, उस पर पता नहीं ब्राउन था ये क्या, उसके ऊपर से जालीदार पूरा नेट पहन रखा था. मतलब ऐसा लगा जैसे कि ना शार्क या डॉल्फिन पानी से निकल के चलना शुरू कर दियो, मतलब सबसे ज्यादा तो वही दिख रही थी मुझे. सबने कहा कि पता नहीं रशियन है कोई उसकी ना फॉरिनर सी, फॉरिनर ही सी नहीं, फॉरिनर गर्लफ्रेंड. मैंने कहा वही चमक रही पूरा एकदम गोल्डन जलपरी जैसी, तो वो तो पूरी विजिबल बहुत चमक रही थी. एंड यू नो कोहली भी दिख गया बहुत गोरा होने की वजह से, और दो तीन बॉडीगार्ड. उन्होंने बताया कि ये जा रहा है यहाँ से बहुत दूर, मतलब दुनिया नहीं, वैसे नहीं, सॉरी टू से दैट, आई मीन वो बहुत दूर पानी में जा रहे हैं, उनका कोई प्राइवेट आइलैंड है, पता नहीं क्या नाम बताया, वहाँ पे वो लोग जाएंगे, दे विल स्पेंड टाइम. मैंने कहा ओके फाइन वाओ नाइस. तो था, और उन्होंने कहा कि कल जो था, कल यस्टरडे वरुण धवन और सारा अली खान भी आए थे. मैं कहा वाह अगोडा बीच काफ़ी फेमस है, आई मीन नाइस. एनीवेज हमें उनसे क्या करना है, और जैसे हमें हमसे क्या करना है. तो इट वॉज सो मच फन. एंड और आप ऑयल मसाज पूरी बॉडी के करवा सकते हो, बहुत मज़ा आता है यार. मतलब उन भैया ने वो शायद पहले ताज में काम करते जिन्होंने मेरा मेरे हस्बैंड का मसाज किया था, पीछे ना बैक बोन में लाइक कोई बोन दबाने से पहले उनका कि मैडम मैं कुछ दबाने वाला हूँ आपका पीछे का एक बोन मसाज में, थोड़ा सा आवाज आएगा. मैं कहा भैया तोड़ मत देना मुझे, इसी बॉडी में वापस जाना. एंड वाज लाइक नहीं नहीं मैं ताज में ट्रेंड हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप डरो मत, बस रिलैक्स हो. मैं कहा वही तो मुझे नहीं आता करना, रिलैक्स. एंड देन फिर मसाज दिया, हेयर मसाज, एंड ओ माय गॉड, देन आई रियलाइज कि मसाज से प्यार हो जाएगा अगर आप कराओगे तो, ना मज़ा आता है ना क्या लगता है. थैंक्स टू माई हस्बैंड फॉर दैट, बहुत मज़ा आया और बहुत बॉडी रिलैक्स हो गया है, हेड रिलैक्स, हेयर रिलैक्स, मैं पूरी रिलैक्स. एंड हाँ तो इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है. और मैं अभी जो पोएम लिखूंगी ना उसमें आपको पता चलेगा मैंने इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमोशंस को मेरे माइंड ने कैप्चर किया ना, जो इट इज़ सो इनवैल्यूएबल, जो आप मेरी पोइट्री में देखोगे जो मैं अभी लिखने वाली हूँ. थैंक यू. मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं अभी मैंने लाइक वी जस्ट केम बैक, हम पूरा बालू सैंड लगा हुआ था, हमने बात किया. एंड आई थॉट बिफोर स्लीपिंग माई बेबी इज ऑलरेडी स्लीप, मैं कहा चलो मैं जो मेरे थॉट्स हैं उसको एक पोएम में लिख दूँ और मेरी फनी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूँ. वैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी गोवा घूमा है, अगर नहीं तो प्लीज़ गोवा ज़रूर आना अगर इंडिया में हो तो. बहुत मस्त जगह है यार, बहुत सॉलिड जगह, क्या वाइब्स हैं, इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. मतलब पता है एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, वैसे तो मैं बहुत बात करती हूँ, बट आई एम प्राउड ऑफ इट, यू नो आई थिंक मैं बहुत अच्छा बात करती हूँ. मुझे कॉम्प्लीमेंट में मिला था कॉलेज में, लाइक वन ऑफ माई गर्ल हु इज माई फ्रेंड, नॉट माई गर्ल फ्रेंड, गर्ल गर्ल फ्रेंड, शी टोल्ड मी वनीता वंदन सिंह, it was really nice listening to you, you speak really nicely. I was like yeah thank you so much, but we didn't understand what you said. I was like okay fine, I don't know if that's a compliment or what it is, but whatever, I will take it as a compliment.
bye-bye for now. Okay, so मैं जो पोएम लिखने जा रही हूँ गोवा के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ गोवा पता कैसा लगता है? बहुत मस्त. आई मीन ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू वर्ड वाला जवाब हो गया, बट इफ आई हैव टू एलाबोरेट इट लेट मी टेल यू. गोवा में बच्चे बड़े शेप में है जो लोग, या फिर आउट ऑफ शेप हैं, बूढ़े बड़े फॉरेनर्स, किसी भी स्टेट से आए हुए लोग, दे ऑल ओपन अप, वो सारे खुल जाते हैं. एंड यू हैव ड्रेसेस लाइक दैट, कम पैसे से लेके बहुत कॉस्टली पैसे तक. यू हैव फैसिलिटी कम पैसे से लेके बहुत पैसे तक. यू हैव व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लेटेस्ट मॉडल फ्रॉम कम पैसे से लेके बहुत कॉस्टली पैसे तक. यू हैव अ स्टे, यू हैव एवरीथिंग इन स्पेक्ट्रम है उनका, मतलब कम पैसे से लेके बड़े तक. तो इट डजेंट मैटर यू नो, अगर आप बहुत रिच भी नहीं हैं आप तब भी गोवा में इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप बहुत रिच हैं तो ऑब्वियसली इंजॉय कर सकते हैं. तो गोवा इज सो वेलकमिंग. और आई डोंट नो, आई वाज वंडरिंग ऐसा यहाँ पे क्या है जो लोग आना चाहते हैं. आई मीन तो यहाँ पे यू नो इट्स एज इफ अनऑफिशियली यू गेट अ लाइसेंस टू बी योरसेल्फ इन गोवा. आप अपने हिसाब से कपड़े पहन सकते हो, नोबडी इज जजिंग, क्योंकि सब ने वैसे पहन रखा है, सब ने अपने दिल के अरमान पूरे करते हैं यहाँ पे यू नो. मतलब बचपन से लेके आज तक पता है ड्रेसेस से प्लीज किसी को जज मत करो. मेरा कहना है किसी लड़की को या लड़के को वो किस तरह का ड्रेस पहन रहे, क्या पता यू नो उनका माइंडसेट क्या है बचपन से, दे वांटेड टू वेयर दैट ड्रेस, उन्होंने किसी बारबी डॉल को देखा होगा या फिर बारबी में स्वान लेक कोई मूवी में देखा होगा, उनका मन कर रहा होगा कि मैं बड़ी होंगी ना जब मैं तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी. तो उससे कोई गंदा नहीं हो जाता है अगर मैंने कोई यू नो ड्रेस पहनी है. इफ अगर मेरा बॉडी हेल्दी है, मैं बहुत फिट हूँ और मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ बाय यू नो वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, जिससे मेरे माइंड में क्या है परसेप्शन कि इस ड्रेस को पहन के मैं वैसी बारबी लगूंगी या उस एक्ट्रेस की तरह लगूंगी, आई विल फील ब्यूटिफुल यू नो. आई डोंट नो जो दूसरे पर्सन है उनको क्या परसीव होगा कि लुक शी इज शोइंग ऑफ अ बॉडी. सो वी हैव डिफरेंट परसेप्शन. अगर बॉडी हेल्दी है तो इन्जॉय करने में क्या प्रॉब्लम है, यू इन्जॉय योर ओन बॉडी इन डिफरेंट ड्रेसेस, तभी तो लाइफ को पता चलता है. तो यू नो इट्स योर चॉइस, आप क्या पहनना चाहते हो क्या करना चाहते हो. एक फुल कवर ड्रेस में भी अगर खुशी मिलती है तो आप वही करो, खुश रहो. या फिर एक शॉर्ट्स क्रॉप टॉप या स्कर्ट, या फिर यू नो इट्स ब्यूटिफुल इन द हेड ऑफ द गर्ल. लड़कियों के दिमाग में बहुत सुंदर परसेप्शन होता है टू वियर अ ड्रेस. दे गो थ्रू पेन अ लॉट यू नो एवरी मंथली साइकिल, सो दे वॉन्ट टू इन्जॉय, दे वॉन्ट टू बी देमसेल्व्स. और ड्रेस से कभी कोई गंदा नहीं होता है, यहाँ से गंदा होता है अगर होगा कोई तो यहाँ पे सबको मतलब द मोमेंट यू लैंड इन गोवा यू गेट दिस लाइसेंस टू बी योरसेल्फ अनऑफिशियली. यू जस्ट गेट इट, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है एंड द बिल्डिंग्स, और हर कॉर्नर में कुछ बहुत यू नो डिफरेंट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है या फिर डिफरेंट एसेंस है. दिस lot of variety here in food and you know ambience and people are so open to each other. And Goa never sleeps. I mean literally yahan pe 11:30 ho raha tha, main apne siblings ko call karte samay soch rahi thi ki unko call karu ki nahi, because yahan pe to soya hi nahi koi, to maybe wo log shifts mein kaam karte honge, because 11:30 baje raat tak Goa was like happening. So it was really nice. Or beaches, or oh my god, it is so beautiful. And if you love seafood, I love fish, so yeah, I enjoyed that. Aur bahut acha hai, and the weather and the exotic birds and the wo jo ghat ke upar you know jo jaise koi fort hai ya fir beaches ke paas jo trees hai flora and fauna. It is so beautiful. And if you see a fish while boating, you know, a different unique kind of fish. Aaj hum logon ne ek fish hamare boat wale bhaiya ne utha ke andar rakh liya tha, because the fish I think was
hurt or something. It was not alive anymore. It was just, you know, floating in the water. He took it just inside the boat. It was so beautiful. बहुत सुंदर फिश थी वो. उसका मुंह ही पता नहीं चल रहा था कहाँ पे है. मतलब फिश थी, उन्होंने नाम बताया कुछ. तो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे एवरीबडी जस्ट बी देमसेल्फ्स. इसे सब गोवा आना चाहते हैं. एंड यू नो, आप कहीं पे भी डांस कर फील कर रहे हो, म्यूजिक अच्छा लग रहा है, आप वहाँ डांस करना शुरू कर दो, इट वॉन्ट बी ऑड. छोटे से लेके बड़े लोग यू नो ऐसे ब्रेड बना रहे हैं और हील्स पहन के घूम रहे अपने हस्बैंड के साथ, चाहे वो मिडिल एज है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा एज है. दे आर बीइंग देमसेल्फ्स क्यूट सा टॉप पहना हुआ उन लोगों ने. एंड द हस्बैंड इज यू नो होल्डिंग द हैंड ऑफ द वाइफ एंड शॉपिंग कर रहे हैं. इट्स वेरी वेरी क्यूट, वेरी क्यूट. और मैंने उन लोगों को देखा जो टिपिकल इंडियन रहते हैं ना, आई मीन आई डोंट नो इफ आई हैव टू आई शुड यूज दैट वर्ड, बट आई मीन टू से जो थोड़ा सा बाहर इतना ओपन अप नहीं होते दूसरे स्टेट्स में, वो यहाँ पे आके दे वियर अ फ्रॉक एंड यू नो नाइस हैट एंड सन ग्लासेस एंड अ लिटिल टैटू मे बी टेम्पररी. आई मीन दे जस्ट दे बी सो सपोर्टिव हियर. पीपल बिकम सो सपोर्टिव हियर. इट्स सो ब्यूटिफुल. अगर अदरवाइज उनको कभी पता ही नहीं चलेगा लाइफ में कि वो कैसे हैं या उन्हें क्या अच्छा लगता है या फिर लाइफ को कैसे जीते हैं. दे वुडंट इंजॉय लाइफ अदरवाइज. उनको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ कितनी मस्त है यार. इफ यू जस्ट बी इन द सेम शेल यू वॉन्ट नो कि लाइफ कितनी मस्त है. तो दे ऑल ओपन अप हियर. तो मैंने आज देखा था अगोडा बीच में एक मम्मी डैडी थे, आई थिंक वो साउथ इंडिया से आए थे. एंड देयर वाज अ लिटिल बेबी गर्ल, आई थिंक वो थ्री इयर्स की होगी या फोर इयर्स की. तो पहले वो बहुत डर रही थी एंड देन उन्होंने उसके मम्मी डैडी उसको साथ में एक एक हाथ पकड़ के उसको पानी के पास बीच में खड़े हुए. तो शी वाज गेटिंग स्कैर्ड बाय सीइंग द वेव्स कमिंग लाइक दिस. सो व्हाट दे डिड, दे टर्न्ड बैक. और जब पानी आता पीछे से और उस बेबी गर्ल का पैर टच करता, एंड द वे शी वाज गिगलिंग लाइक यू नो द चाइल्ड लाइक गिगल एंड द लाफ्टर, इट वाज फिलिंग द एयर ऑफ दैट बीच एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल. Every time the waves touches the feet of the child and the child giggles, laughs, it was filling the air with excitement and happiness. And मतलब वहाँ उसको जो भी सुन रहा था ना दूर दूर बैठ के भी, उनका दिल भी खुश हो रहा था. कितना अच्छा लग रहा है, look at that child. So it was really beautiful. और फिर मैंने देखा यहाँ पे आप मतलब मैं तो पहले तो मेरा पेट पतला ही था बिफोर यू नो गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर माई मैरिज. तो उस समय स्विमवेयर वॉज लाइक कम्फर्टेबल, बट अब थोड़ा सा पेट निकल गया है बिकॉज यू नो सी सेक्शन एंड बेबी डिलीवरी तो जाता ही नहीं है. मे बी थोड़ा और वर्कआउट करना पड़ेगा. तो थोड़ा सोचना पड़ता है स्विम सूट एंड वो सब में कौन सा स्विमवेयर पहने. बट मैंने वहाँ पर देखा कि यू नो पूरी हीरोइन जैसी दिखने वाली लड़की है, पूरी फॉरिनर हॉलीवुड से निकली, मस्त स्विम सूट पहन के चल रही है. वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो थोड़े से यू नो उनका डिफरेंट शेप है फॉर सम रीजन, सम लिटिल हेल्दी सम मोर हेल्दी, व्हाट आर साइजेस दे आर, दे वर ऑल लुकिंग ब्यूटिफुल. दे वर हैविंग क्यूट क्यूट थिंग्स लाइक कोई बो बांध के आया है एंड यू नो फ्रॉक पहना हुआ है शॉर्ट. उससे पता चल रहा है कि वो शायद ऐसे ड्रेसेस रेगुलर नहीं पहनते, बट एंड दे आर यू नो मेकिंग पोजेस विद देयर हस्बैंड, मेकिंग हार्ट्स एंड गेटिंग पिक्चर्स एंड पोजेस एंड ओपनिंग अप, डांसिंग नियर द बीच. देन आई रियलाइज कि हाँ ये लोग यहाँ पे इसीलिए पसंद है बिकॉज यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. हियर यू आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है. वरना डे टू डे लाइफ में इतने पैक्ड रहते हैं ना हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड रनिंग, वी डोंट हैव टाइम. हमें बेसिक चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता. बट यहाँ पे यू जस्ट लाइफ स्लोज डाउन और बहुत लंबी लंबा दिन होता है. 24 लगता है जैसे 24 घंटे से ज़्यादा जा रहा है क्योंकि लोग 11:30 तक सोते भी नहीं है. तो सब कुछ स्लो हो जाता है एंड देन यू फील लाइफ कि यार लाइफ बहुत मस्त है. आसपास देखो कितने मस्त इंटरेस्टिंग लोग हैं. थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा लाइफ को टेस्ट कर लो. बहुत अच्छी है. हाँ बट चीज़ें बहुत महंगी है. लाइक कोकोनट ट्रीज भरे पड़े हैं बट कोकोनट वाटर
हमें 50 रुपए का एक मिलता है। मैंने कहा भैया 50 का कोकोनट, दैट्स टू कॉस्टली। तो मैंने कहा मैडम, मैंने कहा देखो पेड़ तो भरे हुए हैं, मैंने कहा ये तो बैंगलोर में भी खाता तो उतार लो। मैंने कहा राइट राइट, उतारने के शायद 10 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं भैया, और ड्रेसेस भी बहुत महंगे हैं, पर चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप बार्गेन ज़रूर करना, डायरेक्ट मत पैसे दे देना। तो यू नीड टू लर्न बार्गेनिंग और इन्जॉय करना मत भूलना। वो सारी ड्रेसेस जो आपको पसंद है प्लीज़ वेयर इट, यू मस्ट वेयर इट। मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ड्रेसेस। तो मैं कहना चाहूँगी आपको भी जो जो करने का मन है आप गोवा ज़रूर आएँ। और मुझे गोवा टूरिज्म वाले प्रमोट नहीं कर रहे, मतलब कुछ पे नहीं किया है मुझे, बट आई एम जस्ट सेइंग एंड बी योर सेल्फ यार। आज जो बॉडी है वो 10 साल बाद नहीं रहेगी, हम लोग एज होंगे, इंजॉय इट, क्लेम योर बॉडी, ओन योर बॉडी। ये बॉडी बस कोई रिश्ता नहीं है सबके लिए, आपकी अपनी बॉडी भी है। कब फील करोगे, कब अपने आप को यू विल यू नो लिव द वे यू वॉन्ट टू लिव। सो इफ यू लाइक ड्रेसेस लाइक मी, प्लीज वेयर ऑल द ड्रेसेस। यहाँ पे बहुत मस्त मस्त ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पैसे में मिलेंगे, बट आप बार्गेन करके कम में ले लेना। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अगर आप गोवा हैं तो, या कब जाने वाले हैं, क्या क्या मस्ती की। और ओके, अब मुझे सोने जाना है कल के प्लान के लिए। गुड नाइट, लव यूज। एंड अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें मेरा वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बात करती हूँ, ऐसा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है। मैं दिल की बातें करती हूँ, एकदम दिल टू दिल, हार्ट टू हार्ट। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें मेरे चैनल को, लेट इट ग्रो, इट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस। वैसे बहुत कॉन्फिडेंस हो गया है। ओके, सो आई विल गेट बैक टू माय पोएम एंड आई विल गेट अ गुड नाइट स्लीप, ताकि मैं कल और भी मस्ती करूँ और खुशियाँ बांटूँ, और फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया है। ओके, बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर, मच लव, सी यू द नेक्स्ट।